हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुलबुल और आज मैं आप लोगों के लिए कोई भी ब्लॉग नहीं लेकर आई हूं। आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के एक मेकअप ट्यूटोरियल जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं आसानी से। और हाँ, जो भी मुझे हल्का फुल्का सा आता है वही शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। आप लोग मुझे बताना भी कमेंट करके कि मैंने क्या मिस किया है और किस तरह से क्या चीज़ को प्रोडक्ट को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मुझे बताना, क्योंकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीखना चाहती हूँ। जिस तरह से आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं ऐसे ही हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा अपने आप को विद्वान नहीं समझना चाहिए, है ना। तो चलिए, और जो भी है मैंने कैमरे वगैरह में फ़िल्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, जो है सामने ही बैठी हूँ मैं आप लोगों के। हाँ, अभी मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं हम और फेस्टिव सीजन चल रहा है तो करवा चौथ है, दीपावली है या कोई भी त्यौहार है तो आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं और कम से कम प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी, ठीक है ना। सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ अच्छे से। तो अब चलिए, अब कर देते हैं हम अपना मेकअप स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ये गुड वाइब्स का सैंडलवुड एंड रोजवुड टोनर। ये हमारी स्किन को हाइड्रेटिंग एंड प्योरीफाइंग करता है, बहुत अच्छा टोनर है। इसकी फ्रेग्रेंस जो है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये। मैं जब नहाकर आती हूँ ना तो मैं सबसे पहले यही वाला टोनर लगा लेती हूँ या फिर अपना गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर है ना मेरा, वो वाला मैं यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये टोनर वगैरह। तो यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ NYB का स्किन न्यूट्रलाइज़र। ये एक सीरम की तरह भी काम करता है। तो इसको अपने फेस पर इस तरह से इसको सूखने का वेट करेंगे। और अभी ये भी अच्छे से सूख गया है तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मॉइस्चराइज़र क्रीम। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम ले सकते हैं। हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो, और मैं तो बहुत ही कम से मेकअप करती हूँ। उसके बाद चलो ये भी सूख चुका है तो अभी हम लगाते हैं प्राइमर। तो ये पर्पल का है प्राइमर, जो ट्रू जेल 24K गोल्ड प्राइमर है। सिर्फ थोड़ा सा लेना है आपको और ये पूरे में, यहाँ पर देखो इतना सा मैंने अपने पाल पर ले लिया है और बस इसको अभी मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी और बस हल्के हल्के हाथों से इसको मसाज करते रहिए ऐसे ही, तो ये अच्छे से अपनी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो बस अभी मैंने प्राइमर लगा लिया और यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ लिप बाम। तो मैं नीविया की लिप बाम लगा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बेस बन चुका है। सेटिंग स्प्रे है तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगी, है ना। अब हम फाउंडेशन लगाते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे में फाउंडेशन लगा लूँगी, नेक पे भी लगाऊँगी, ईयर्स पे भी लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे भी मेकअप होना ज़रूरी है और सिर्फ हमें फेस नहीं चमकाना है, अपना पूरे पे मेकअप करना है। बस अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना और ब्लेंडिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फाउंडेशन ब्लेंड होगा ना उतना ही ज़्यादा हमारा मेकअप जो है कि निखर के आएगा। मैं भी आप लोगों की तरह बिगिनर्स ही हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे करके सीख रही हूँ सारी चीज़ें। और जब भी आप अगर फाउंडेशन वगैरह मेकअप वगैरह लेने जा रहे हो ना तो अपने टोन स्किन टोन के हिसाब से ही लेना, क्योंकि आपसे मैच करता हुआ ही होना चाहिए। अगर अलग सा लोगे ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा है या फिर बहुत ज़्यादा डार्क जैसा लगेगा। आप अपने स्किन टोन से रिलेटेड ही लेना और इसको डैब डैब करके ही इस तरह से करना। और आप अपने स्पंज को हल्का सा गीला भी कर सकते हैं, उसको स्क्रीच करके इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं लूँगी कंसीलर। तो मैंने लिक्विड वाला कंसीलर ले लिया, ये है SQ का, स्टे क्यूकी का। और अभी मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। लिक्विड है, बहुत अच्छा है। अभी मैंने इसका एक तो देख लिया था लेकिन दूसरा मैंने नहीं देखा था कि कलर कैसा आया है। ये मैंने purple.com से ही मंगाया है। मैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ तो इन सभी के लिंक, परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप लोग वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ये कंसीलर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है। मतलब बहुत सारे कंसीलर ऐसे होते हैं ना और चिपचिप वाले होते हैं, तो ये बहुत ही लाइट वेट भी है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने कुछ लगाया है अपने आईज़ पर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये कंसीलर। और अब मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट के बाद में अब हम लगाएंगे अपना आई शेडो। तो ये हाई रिवोल्यूशन का मैंने आई शेडो पैलेट लिया है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा, इसके कलर शेड बहुत प्यारे प्यारे से हैं। तो चलिए, मैं पहनने वाली हूँ पिंक कलर का ड्रेस, तो मैं
पहले लूंगी ये वाला कलर, लाइट कलर, और यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से घुमाते हुए यहाँ लेके जाना है। और वैसे स्टार्टिंग यहाँ से ही करनी चाहिए। मेरे पास ब्रश थे लेकिन वो टूट चुके हैं, तो अभी मैंने ऑर्डर किए हैं तो वो कुछ दिनों में आ जाएंगे। तब तक मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर देती हूँ, तो अपने हाथों से भी बहुत अच्छे सा मेकअप हो जाता है। ये देख लीजिए दोनों हो चुका है, तो मैं आगे की साइड थोड़ा सा गोल्डन कलर दे देती हूँ इसको यहाँ। डन। और अब मैं लगाऊंगी लाइनर। तो आईलाइनर मुझे अच्छे से लगाना नहीं आता है, तो मैं कांच में देखकर ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ क्या है ना बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कांपते हैं, तो मैं कांच में देखकर ही लगा रही हूँ। तो लाइनर मैंने जैसे तैसे लगा लिया है और अब मैं लगाऊंगी जो कलर मैंने ऊपर लगाया है वही कलर मैं सेम नीचे लगा लूँगी यहाँ पे। और अब मैं लगा रही हूँ गोल्डन कलर का आईलाइनर। जो मैंने ब्लैक कलर का आईलाइनर लगाया उसी के जस्ट ऊपर मैं गोल्डन कलर का लाइनर भी लगा लूँगी। तो ये चीज़ मैं पहली बार करके देख रही हूँ, मतलब मैंने इससे पहले इतने सारे आई शेडो अपनी आईज़ पर नहीं लगाए हैं, तो आज मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ कि किस टाइप का होता है मेरा मेकअप। तो मेरा यहाँ पर आईलाइनर तो लग चुका है ब्लैक और गोल्डन, कैसा लग रहा है, अच्छा से लगा है ना। और अभी मैं अपनी आईब्रो को फिल करने जा रही हूँ, तो मैं करूँगी यहाँ पे 24 आई स्टूडियो म्यूज़िक फ्लावर से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं ना। मेरा आई मेकअप तो हो चुका है कंप्लीट, तो मैं अब कर लेती हूँ अपना आई में आईब्रो फिल। मुझे इस वाले मतलब मोबाइल में नहीं दिख रहा है, मैं कांच में देख लेती हूँ। तो मैंने अपनी दोनों आईब्रो फिल कर ली हैं, मैंने अपनी आईब्रो फिल कर ली अच्छे से। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। तो मेरा मस्कारा भी लग चुका है। तो मेरे पास फॉल्सीज है तो, लेकिन मुझे लगानी नहीं आती है, इसको कोशिश करें लगाने की, क्योंकि तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं आज इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करके देख रही हूँ। काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको लगाने, लेकिन मैंने लगा ही ली। और बस अभी हम अपना जो है कि मेकअप कंप्लीट करेंगे, और अभी मेरा काजल लगना बाकी रह गया है, मतलब वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं अपना मेकअप। और यहाँ पे अभी मैं लगा देती हूँ पूरे में फाउंडेशन। तो फाउंडेशन अपने गले पे भी लगाना है, तो ये हो चुका है हमारा डन। बेटू भी यहीं पे है, तो बेटू बोल रहे हैं डन कह रहे हो, डन कह रहे हो। अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। तो ये मैंने कर लिया है, अब इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से अपने फेस को पतला दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग की है, ये कर लिया। अब मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर। अब मैं लगाऊंगी ब्लश। ब्लश मैं इसी पैलेट से ही लगा रही हूँ। अब मेरा काजल रह गया है, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक काजल। चलो हाथ से ही लगा लेते, बेटू पता नहीं एक ब्रश कहाँ रख गई। मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर।
तो हाइलाइटर भी मेरा हो चुका है, अब लास्ट बचता है मेरा लिपस्टिक। तो मैं फिर से लिप बाम लगाऊंगी एक बार, जो भी एक्स्ट्रा लिप बाम है वो मैं पहुंच दूंगी। ये मेरे ड्रेस के मैचिंग का पर्पल से ही मैंने मंगाया था। तो लिपस्टिक मैंने लगा ली है, देख सकते हैं आप लोग कैसी लग रही है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, देख सकते हैं आप लोग। कुछ मैंने कुछ इस टाइप का क्रिएट किया है। अगर आपके घर में कोई भी पार्टी है या कुछ भी है तो आप थोड़ा बहुत ऐसे तैयार हो सकते हैं। और ये मैंने लुक बनाया है, और आज मैंने पहली बार ये फॉल्सीज लगाए हैं, नकली लेसेस। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और अब मैं लगाना भी सीख गई। पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी इसको लगाने में, कैसे लगा पाऊँगी कैसे लगा पाऊँगी, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी टाइम पहले की रखी हुई है। मैं भाई की सगाई में लेकर आई थी, शायद तब की ही रखी हुई है, और अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं लगाई थी। तो अब मैंने लगा ली, और ये मेरे चांद वाली जिसे बोला जाता है ये। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोगों को?